1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 अब हर चेन में डबल क्रोशिया। अब हम 3 चेन लेंगे और हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 3 चेन और 3 चेन छोड़कर चौथे में डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया फिर एक और चेन बना के नीचे वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन। ये तो से अच्छा तो हम हो रही हम फिर से 3 चेन लेंगे और डबल क्रोशिया। 1 2 डबल क्रोशिया 6 इस तरफ और 6 दूसरी तरफ और बीच में दो दो का गैप रहेगा। तो पहले 3 चेन फिर बीच में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर उसी चेन में एक डबल क्रोशिया। फिर से 3 चेन और 6 डबल क्रोशिया। ऐसे ऐसे ही हम 26 लाइन बनाएंगे और 2 लाइन अभी हमने बनाया है। क्रोशिया का हमारा 26 लाइन हो गया है। तोरण बनाना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 तीसरे हम इसे तीसरे लाइन में जोड़ देंगे। अब हम 3 चेन लेंगे और पट्टी में जोड़ देंगे।
यहाँ एक चेन लेकर हम डबल क्रोशिया करेंगे। बीस डबल क्रोशिया करेंगे। बीस डबल क्रोशिया के बाद हम तोरण पट्टी को फिर से एक और लाइन बनाएंगे एक चेन लेकर। अब हम एक सिंगल चेन लेंगे और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया के बाद हम तीन चेन लेंगे और नीचे की तरफ एक चेन छोड़कर फिर से तीन डबल क्रोशिया, और यही हम पूरे सेमी सर्कल में करेंगे। कुछ इस तरह से हम चाहिए भैया। अब एक सिंगल चेन लेकर हम इसे पट्टी से जोड़ेंगे और आगे तीन चेन लेकर दूसरी लाइन से जोड़ेंगे। हम तीन चेन फिर से लेंगे और इस तरह से वापस बनाएंगे। हमने तीन चेन ले लिया है। एक चैन लेंगे यहाँ। फिर से तीन सिंगल चेन और वापस से शेल। तीन डबल क्रोशिया है। हमने इस तरह से बना लिया है। अब आगे हम पट्टी बनाएंगे। हम तीन चेन लेंगे और फिर उसे बांधेंगे और फिर तीन चेन लेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे। तीन डबल क्रोशिया के बाद तीन चेन और फिर से डबल क्रोशिया। ऐसा ही रिपीट करेंगे पूरे पर। अब हम यहाँ पे चार चेन लेंगे और फिर सिंगल क्रोशे से यहाँ पर बांधेंगे। और फिर से चार चेन, अब तीन डबल क्रोशिया लेंगे। यहाँ पर तीन चेन और फिर तीन डबल क्रोशिया। अब पांच चेन
अब यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया लेंगे। हमने यहाँ पर सिंगल चेन से बांध दिया है, अब हम तीन डबल क्रोशिया करेंगे। पहले हम इसी तरह से पूरा करेंगे। हमने ये बना लिया है, हमने साथ में पट्टी भी बना ली है। यहाँ पर हम 6 से 7 चेन लेंगे, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ सिंगल चेन से बांध देंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। सात चेन और फिर से सिंगल चेन से इसे बांध लेंगे। और हम इसे ऐसे ही रिपीट करेंगे। हमने ये कंप्लीट कर लिया है। हम 5 चेन लेकर इसे पट्टी में जोड़ेंगे। अब हम 15 चेन लेंगे। और यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर से 15 चेन और यहाँ जोड़ देंगे। ऐसे ही करके हम पूरे में बनाएंगे। हमने बना लिया है, अब हम पट्टी बनाएंगे। यहाँ पर हम 1 चेन लेंगे और इसे जोड़ देंगे। और अब हम यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया लेंगे, कुछ इस तरह से। बीस डबल क्रोशिया हो गया है, अब यहाँ पर हम बनाएंगे। लेकर हम पट्टी में जोड़ेंगे। तीन चेन लेकर हम उसे आगे जोड़ेंगे। अब हम इस तरह से बनाएंगे। पहले हम 3 चेन लेंगे और फिर 1 डबल क्रोशिया। फिर से 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया।
ये 40 डबल क्रोशिया हो गया है। अब हम पट्टी बनाएंगे, इस तरह से 3 लाइन बनाएंगे। पहले हम 3 चेन लेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया। हम ये डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। हम यहाँ 5 चेन लेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया। फिर से 5 चेन डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हम पूरे में बनाएंगे। हमने ये डिजाइन बना ली, पूरे फ्लावर्स 17 है। अब जैसा हमने नीचे पैटर्न बनाया है वैसे ही हम ऊपर भी करेंगे, कुछ इस तरह से। हम पहले 4 चेन लेंगे और फिर सिंगल चेन से जोड़ देंगे। फिर से 4 चेन, 5वां और 3 डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन, फिर से डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरी लाइन बनाएंगे। चेन आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। हमने ये पैटर्न बना लिया है। अब हम 15 चेन लेकर इसमें जोड़ेंगे। इस तरह से हम पूरा कवर करेंगे, फिर इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। हम पहले 3 चेन लेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया। फिर से 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही पूरा बनाएंगे। ये बनकर कंप्लीट हो गया है। ये पूरे 34 डबल क्रोचेट है। 3 हम 5 चेन लेंगे और फिर नीचे जैसा पैटर्न बनाएंगे, 3 डबल क्रोचेट। फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोचेट।
फिर 5-6 ऐसे ही पूरा बनाएंगे। हम एक को छोड़कर एक में ये डिज़ाइन बनाएंगे और जैसे नीचे पैटर्न है वैसे ही ऊपर रिपीट करेंगे। 5 चेन लेकर हम इसे बांधेंगे। और फिर से 5 चेन लेकर हम 3 डबल क्रोचेट लेंगे। से 3 चेन और 3 डबल क्रोचेट। नीचे की तरफ ये पैटर्न 5 है, ऊपर की तरफ 13 और ऊपर 17 बनेंगे। हम ये पट्टी भी बना लेंगे। हमने पहले एक सिंगल चेन लिया है, फिर 5 चेन लेने के बाद हम यहाँ पर इसे वापस से सिंगल चेन लेकर जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर हम 9 चेन लेंगे। और यहाँ पे सिंगल चेन से बांधेंगे। पूरे पैटर्न को सिंगल क्रोशिया से तैयार करेंगे। यहाँ पर 9 चेन और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर भी 9 चेन, फिर से यहाँ पर इस पैटर्न को हम सिंगल क्रोशिया से पूरा बुनेंगे। कुछ इस तरह से हम पूरा ऐसा तैयार करेंगे।